तो गाइस ये है हमारे ताऊ लोगों की गोट। ये देखिए कुछ इस प्रकार के पहाड़ी गोट रहते हैं और यहाँ पे चूल्हा वगैरह सब कुछ है हमारा गोट। ये देखिए गाइस ये सामने दिखा दे रहा है मटकोट छिड़िया और यहाँ पे ये लोगों के गाय भैंस बंधे हुए हैं। थकान लग गई। वाह 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 मैं ममता की पापा। हेलो दोस्तों, कैसा आप सब लोग? आशा है कि सब लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम मस्त हूँ और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ गौशाला से। तो गाइस अभी मैं आई हुई हूँ गौशाला में और ये मेरे पीछे दिखा दे रहे हैं केले के पेड़ और इन पे केले भी आ रखे हैं। तो दोस्तों मैं अपने गाय बैलों को खेतों से गौशाला में लेके आई अभी। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं यहीं से कर रही हूँ और आज के ब्लॉग में मैं आपको पहाड़ी गोट दिखाने वाली हूँ क्योंकि अभी बरसात का टाइम है तो हमारे यहाँ पे पहाड़ों में इस टाइम पे झुंगरी की फसल की कटाई होती है। तो हम मतलब खेतों में गोट लगाते हैं और वहीं पे गाय भैंस बैल बकरियाँ जो भी होती है सारे वहीं पे रहते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, मतलब पहाड़ी गोट मैं आपको बताऊँगी। तो उससे पहले एक बार आपको आज का मौसम और हमारे सुंदर सुंदर केले के पेड़ आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आज का मौसम कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, बादल आए हुए हैं हल्के हल्के। सुबह से तो थोड़े ज़्यादा बादल थे, अभी थोड़ा कम हो रखे हैं। और ये है हमारे केले के पेड़ इतने सारे और इन पे केले भी आ रखे हैं, बहुत सारे केले इन पे आ रखे हैं। इस बार बहुत सारी जगहों पे केले आ रखे हैं, यहाँ पे आ रखे हैं, नीचे आ रखे हैं केले। ये देखिए तो इस बार मतलब हमारे केले के पेड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं इतने सारे। और ये है भाभी लोगों का गौशाला और ये है हमारा गौशाला। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ खेतों में और खेतों में जाके मैं आपको दिखाऊंगी पहाड़ी गोट कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। वैसे मैंने एक पोस्ट की थी तो आपने वो देखी होगी, तो आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी पहाड़ी गोट। तो गाइस अब मैं पहुँच चुकी हूँ खेतों में और ये लोग आ रखे हैं खेतों में, बहुत सारे लोग, कोई झुंगोरा लेने के लिए, कोई मतलब झुंगोरे का घास नई वगैरह काटने के लिए आ रखे हैं। तो आ गए हैं हम अपने गोठ में, दिखाते हैं आपको गोठ। तो गाइस ये है हमारे ताऊ लोगों की गोठ। ये देखिए कुछ इस प्रकार के पहाड़ी गोठ रहते हैं और यहाँ पे चूल्हा वगैरह सब कुछ रहता है। ये चूल्हा खाना पीना बनाने का है और ये पानी के बर्तन रखे हुए हैं और ये बक्सा वगैरह मतलब इनमें सामान रहता है और ये सोने की व्यवस्था के लिए चारपाई लाई हुई है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे एक आदमी ही पे रहता है गोट में, गाय भैंसों का ख्याल रखता है रात को। उनको हमारे यहाँ पे फड़ी कहते हैं, टिन के फड़ी, तो इनसे ही गोट को उड़ते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से दो फड़ी होते हैं, एक आगे से एक पीछे से, और इनके बगल पर भी ये रहते हैं सहारे के लिए, इनको टुनिया कहते हैं। और इनमें ये नई रखा हुआ है ताकि ये उड़ेंगे नहीं हवा की वजह से। तो ये है ताऊ लोगों के गोठ और ये है हमारा गोठ। तो गाइस हमारी बकरियाँ भी है और यहाँ पे मेरी मम्मी ने चाय रखी हुई है केतली में, ये देखिए। और यहाँ पे हमने भी कर रखी है पापा के लिए सोने की व्यवस्था, कपड़े वगैरह, ये चारपाई वगैरह लगाई हुई है। और ये यहाँ पे हमारी बकरियाँ हैं, इतनी सारी बकरियाँ, ये देखिए। और ये अभी छोटी है, इनको अभी एक महीना ही हो रखा है, छोटे छोटे हैं ये अभी, ये देखिए। तो गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी काट रही है नयो झुंगरे का नयो और ये टॉर्च लगा हुआ है चार्ज पे। और ये दो दो कितली हमने यहाँ पे लाई हुई है, तो अभी इसमें बन रही है चाय, ये देखिए। और अब इसमें दूध डालेंगे थोड़ी देर के बाद, तो चाय पियेंगे हम। और यहाँ पे मतलब खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पे हुई रहती है, इसमें हमने सारा सामान रखा हुआ है। तो गाइस पहाड़ी गोठ में मतलब कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये हमारी इतनी सारी बकरियाँ आपने दिख ली होगी। तो हमारे गोट यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, ये देखिए यहाँ से लेकर सीधे वहाँ तक हमारी मतलब गोट है। दो 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 फड़ी आगे हैं, ऊपर दो पीछे हैं, मतलब चार हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गोट निकाले हुए हैं, तो दिखाते हैं आपको और लोगों की भी गोट। ये देखिए गाइस ये सामने दिखा दे रहे हैं मटकोट छिड़िया
और यहाँ पे ये लोगों के गाय भैंस बंधे हुए हैं। ये देखिए, ये लोगों के गाय बंधे हुए हैं और ये सामने की सारी अभी खाली नहीं हो रखी है, कुछ ही दिनों बाद ये भी खाली हो जाएगी। गाय भैंस बंधे हुए हैं, ये देखिए। तो गाइज अब हम भी काटेंगे नयो, क्योंकि हमने ये खेत खाली करना है। देखिए गाइज, नयो काट के पहले उसे ऐसे के बिछाते हैं सुखाने के लिए। तो जब ये सूख जाता है तो उसको बांध देते हैं ऐसे के, उसको बांधते हैं, उसको दियो कहते हैं, दियो बनाते हैं और उसके बाद पेड़ों में लगा देते हैं। लोगों ने लगा रखा है ऐसे के, मतलब पेड़ों में लगा देते हैं ताकि नयो, जो ये नयो घास होता है वो सड़ता नहीं है बारिश के कारण। तो गाइस यहाँ से व्यू कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, मतलब अभी हम जिस खेत में हैं वो एकदम सिंपल सा खेत है। तो ये है हमारी गोठ। तो गाइस मिलता है आपको थोड़ी देर के बाद, तब तक हम भी नयो काटते हैं। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है नयो काटने के लिए, तो नयो काटते हैं, बांधते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हमने पूरा नयो काट दिया है, ये देखिए पूरा खेत का नयो हमने काट दिया है और अभी धूप बहुत ही तेज़ लग चुकी है, तो थोड़ी देर बाद हम इसको बांधेंगे। तब तक थोड़ा रोटी चाय खा के हम इसको बांध देंगे थोड़ी देर के बाद। और अभी ये अभी बज रहे हैं 10:30 हो चुके हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम बांधेंगे। उसके बाद 11-12 बज, मतलब 12 तक बज जाएंगे शायद, तो तब हम घर चले जाएंगे। तो दोस्तों मिलता आपको थोड़ी देर के बाद, दिखाते हैं कि कैसे के बांधते हैं नयो को और उसके बाद हमने उसको पेड़ में डालना है। उस वाले पेड़ में हमने नयो डालना है, एक पेड़ ये है वहाँ पर भी हमने उसको डालना है। तो अभी पीते हैं हम चाय। तो गाइज हमारी चाय हो चुकी है तैयार और अब हम पियेंगे चाय। तो गाइज हमने पूरे खेत का नयो बांध दिया है और नीचे रख रखा है यहाँ पे, और अब हम लगाएंगे इस नयो को पेड़ में। पेड़ में जा रखे हैं नीतू और माजी, तो दिखाते हैं आपको कि कैसे के लगाते हैं नयो। गाइज इतना नयो हमने लगा दिया है और आधा नयो मैं और फेंकूंगी उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि मशीन आ रही है नीचे, इसका चप्पल छूट गया है नीचे, ये रहा, इसको हम निकालेंगे। वाह वाह वाह, मैं ममता की पावर। गाइज यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू दिखाई दे रहा है, देखिए आसमान में भी बहुत सारे बादल आ गए हैं और अभी हमारे गोट जो है खाली खाली लग रही है, क्योंकि हमारी बकरियाँ चली गई है चरने के लिए। और यहाँ पे हमने आग जला दिया है, थोड़ी देर बाद अब हम चाय गर्म करेंगे, फिर चाय पियेंगे सारे। तो मौसम अभी कुछ इस प्रकार का बन गया है, देखिए Thank you.
रस्सियाँ बांध रखे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे गाय बैलों को बांधते हैं जब वो आ जाएंगे जंगल से। तो गाय तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें गाइज़।